डॉक्टर जैन, हाउ डू यू फील? बढ़िया है, सेवा बड़ी कर रहे हैं ये लोग और पूरे तन मन से लगे हुए हैं। खाली साहब, आपके पाकिस्तान में भी ऐसा करते हैं? नहीं जी, मैं यहाँ के तो बहुत हैरान हुआ हूँ, मुझे बड़ी खुशी भी हुई है और बड़ा इस चीज़ का फिक्र भी हुई है, अफसोस हुआ है कि ईमानदारी की बात यह है कि इंतहाई ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि यहाँ देख के तो मैं समझता हूँ कि सही मानों में शांति, अमन, सुकून मुझे आज मिला है कि इतनी केयर, इतनी हिफाजत, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है जी यहाँ पे। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी ऐसा काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हम जिनका दूध पीते हैं, जो हमें हमारे हमारी माँ की तरह हमारी सेवा करती है, हम इनके दूध पीने से जवान होते हैं और इस तरीके से इनकी हिफाजत हो रही है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है देख के कि भाई लोग किस तरीके से इनकी हिफाजत कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए पाकिस्तान में भी, ज़रूर होना चाहिए ऐसा। और मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके इस किस्म का गौशाला बनाऊँगा, पूरी कोशिश करूँगा जी मैं इस किस्म की बनाने। थैंक यू। हाँ जी, बस आप बताओ आपका क्या नाम है? उतार लो। हाँ खाली साहब, आप भी जाओ। जैन जी, कादियान साहब ने यहाँ से। मेरा नाम जगदीश मलिक है जी। मेरा इन मूक प्राणी सेवा, मूक प्राणियों की सेवा करना शौक है और मैं रोहतक में 2.5-3 साल संस्था बनने से पहले घूम घूम के सेवा करता रहा और जिन जिन लोगों ने मेरे को सेवा करते हुए देखा वो लोग मेरे साथ जुड़ गए और ये आज संस्था बन के खड़ी हो गई। अभी इस संस्था के पास अपनी ना कोई जमीन है, वैसे रजिस्टर्ड है ये संस्था, ये एक भाई ने प्लॉट जो है ना दे रखा है, जब तक उसको अपनी जरूरत नहीं है ना हमारे से कोई रेंट लेता है ना कुछ, फ्री में दे रखा है भाई, जब तक मैं यूज नहीं करूँ तब तक आप लोग इसमें सेवा करो। ऐसे लोगों के ही डोनेशन से ये काम चल रहा है। मैं अपना टाइम फ्री दे देता हूँ यहाँ, मैंने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया है इस मुख प्राणी से। नहीं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं VLDA का डिप्लोमा होल्डर हूँ HAU से 78 में। तो यहाँ का खर्चा कैसे चलाते हैं आप? यहाँ का खर्चा पब्लिक के डोनेशन से चलता है, सरकार की तरफ से कोई एड नहीं, कोई किसी से अब तक कोई मदद नहीं आई है, ये संस्था रजिस्टर्ड है। हाँ डॉक्टर जैन, आप मेंबर है उसके एनिमल वेलफेयर बोर्ड के, आप लोगों ने क्या किया फिर? मैं एक बात। हाँ डॉक्टर जैन, हाँ आप मेंबर है, आपको जीव दया पुरस्कार दिया गया था, तो क्या आप लोगों की नजर नहीं पड़ती है संस्थाओं पे? नहीं, जहाँ जहाँ पता चलता है कोई आती थी उसका कवर किया जाता था, उनकी इंस्पेक्शन करके वगैरह उनको किया गया था। हमारी टेन्योर से पहले सारे देश में तकरीबन 300-400 संस्थाएं थी जो रजिस्टर्ड थी, ड्यूरिंग दैट 3 ईयर्स वो 2500 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज संस्थाएं हो गई हैं। आगे भी प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि सरकारी काम है जो उसका कोई प्रोसेस तो होता ही है। तो आप क्या समझते हैं ऐसी संस्थाओं को नहीं देनी चाहिए ग्रांट? बिल्कुल, ये बहुत डिजर्विंग संस्था है और ऑन प्रायोरिटी से मिलना चाहिए इनको। पकड़ो उसकी ओर। ये आपके एनिमल वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन भी आ चुके हैं हमारे। अच्छा, अच्छा, हाँ, 15 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट हुई थे। अच्छा, अच्छा, देख के गए मैं। इसीलिए आपको क्या था, मुझे विश्वास था ना, मैं आपको खड़ा करके।